साथियों, झारखंडी जोहार। चुनावी वादा पूरा न होने की स्थिति में वादा पूरा करो हेमंत सरकार, सहायक अध्यापक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सहायक अध्यापक संघ ने 13 सूत्री मांग प्रस्तुत की है और सरकार से आग्रह भी किया कि इसे यथाशीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन घेराव और आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया। पारा शिक्षकों का दर्द आज भी वही है जो विगत सरकार दे गई है। चुनाव के 4 वर्ष बीत गए, चुनाव में बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए हेमंत सरकार, लेकिन आज भी उस पर खरा नहीं उतर पाया है। आइए जानते हैं कि संघ ने उन 13 सूत्री मांगों में क्या क्या रखा है। वेतनमान राज्य कर्मी का दर्जा, पहला मांग में उन्होंने रखा है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान और राज्य कर्मी का दर्जा मिले। बिहार के तर्ज पर आकलन से ही ग्रेड पे का निर्धारण हो। शिक्षक कल्याण कोष से अविलंब 5 लाख की सहायता जो मृतक को मिलना है वह मिले। सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 65 वर्ष किया जाए, जैसे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का किया गया। 2018 में जो विगत सरकार ने केस किया था संघ के लोगों पर, उसे वापस लिया जाए। ईपीएफ फाइल पर कार्य अविलंब हो। पारा शिक्षकों के लिए सेवा पुस्तिका का संधारण अविलंब किया जाए और जो नगरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं पारा शिक्षक, उनको अविलंब 4% वृद्धि के साथ मानदेय दिया जाए। एसटी और एससी के लिए पासिंग मार्क, जो शिक्षक सेवा शर्त नियमावली के अनुसार या दूसरे बहालियों में 32% है, तो 35 से घटा करके 32% किया जाए। आकलन में 52% और 59% लाने वाले अभ्यर्थियों को भी पास किया जाए। अप्रशिक्षित शिक्षकों को अविलंब प्रशिक्षित करवाया जाए। नौडिहा और छतरपुर के 512 पारा शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, उनकी बर्खास्तगी निरस्त किया जाए और उन्हें सेवा में रखा जाए। और दूसरी आकलन यथाशीघ्र हो, ताकि जो आकलन से वंचित रह गए हैं हमारे सहायक अध्यापक पारा शिक्षक, उन्हें भी मौका मिले। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले तमाम इंफॉर्मेशन मैं पहले आपको पहुंचा सकूं। दैट्स ऑल।